की है, बड़ा स्पष्ट है। नीतीश कुमार जी को जनता दल यूनाइटेड ने आतंकवादी घोषित किया है, इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। नमस्कार, मैं भूपेश अग्रवाल, आप देख रहे हैं सर। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा होना है, जिस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी के तमाम जो है आला मंत्री, सांसद और विधायक जो है मुजफ्फरपुर में अभी कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 5 नवंबर को अमित शाह का कार्यक्रम है मुजफ्फरपुर में, जिसको सफल बनाने के लिए बीजेपी के तमाम जो है जितने भी अधिकारी है, प्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं ताकि उनके पूरे कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाया जा सके। अभी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सांसद जो है बीजेपी के, विधायक जो है बीजेपी के, वो मुजफ्फरपुर में अभी पहुंचे हुए हैं और बैठक कर रहे हैं ताकि उनके पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। वही पूरे मामले को लेकर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को आतंकवादी कह दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जदयू ने नीतीश कुमार को आतंकवादी घोषित कर दिया है। पूरे सभा के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आपको देखिए। लगातार देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, बिहार में कार्यक्रम उनका लगातार आम सभा का कार्यक्रम चलते रहा, उसी दौरान मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ लोग जुटेंगे, उनकी बातों को सुनने का काम करेंगे। अच्छा, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, वो ट्विटर पर उन्होंने लिखा, बयान भी किया है, आगज आपने किया अंजाम हम ले जाएंगे, हिम्मत है तो देखिए। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी को जनता दल यूनाइटेड ने आतंकवादी घोषित किया है, इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, वही आपको बता दें कि 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के जितने भी सांसद है, विधायक है, वो तमाम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और कोर कमेटी की बैठक की है ताकि इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह सफल बनाया जा सके, उस पर विचार विमर्श किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी बिहार से 40 की 40 सीटें जीतने को लेकर अपने जो है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है और रणनीति बना रही है ताकि बिहार में 40 की 40 सीटें जो है वो बीजेपी जीत सके। देखिए, लगातार देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, बिहार में कार्यक्रम उनका लगातार आम सभा का कार्यक्रम चलते रहा, उसी दौरान मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ लोग जुटेंगे, उनकी बातों को सुनने का काम करेंगे। अच्छा, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, वो ट्विटर पर उन्होंने लिखा, बयान भी किया है, आगज आपने किया अंजाम हम ले जाएंगे, हिम्मत है तो ना। देखिए, देखिए, बड़ा स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी को जनता दल यूनाइटेड ने आतंकवादी घोषित किया है, इसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर।